अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चैलेंज नंबर 16 करने जा रहे हैं। तो चैलेंज नंबर 16 क्या है? आस्क द यूज़र इफ़ इट इज़ राइनिंग एंड कन्वर्ट देयर आंसर इनटू लवर गेट। सबसे पहले हमने यूज़र से लेना है, पूछना है कि क्या बारिश हो रही है। अगर बारिश हो रही है तो कुछ भी यूज़र अगर इंटर लोअर अपर केस में करता है या कैपिटल लेटर में करता है या जिसमें भी करता है, तो हमने सबसे पहले हमने क्या करना है उसी को हमने लोअर केस में करना है। तो लोअर केस में हमारा जो मेथड है हमने यूज़ किया हुआ था पहले, तो हम उसको यूज़ करेंगे। फिर हम क्या कह रहा है कि इफ़, फिर हमने इफ़ की कंडीशन लगा के करना है। इफ़ दे आंसर यस, अगर जो आंसर हुआ हमारा वो यस हुआ तो क्या करना है कि फिर दोबारा पूछना है कि आस्क इफ़ इट इज़ वाइंडी वेदर है, मतलब हवा चल रही है। अगर वाइंडी वेदर है तो हमने क्या करना है, अगर यस हुआ तो आंसर करना है इट इज़ टू वाइंडी फॉर एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आपके लिए बहुत हवा है, अम्ब्रेला नहीं। अदरवाइज हमने क्या डिस्प्ले करना है, टेक एन अम्ब्रेला। अगर बारिश हो रही है और जो हवा है नहीं चल रही तो हमने क्या डिस्प्ले करा देना है, टेक एन अम्ब्रेला। अगर ये दोनों नहीं है, अगर बारिश भी नहीं हो रही और हवा भी नहीं है, तो हमने क्या डिस्प्ले करा देना है कि इंजॉय योर डे। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन रहा है लेकिन है आसान सा, हमने इजीली कर लेना है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि यूज़र से पूछना है कि राइनिंग हो रही है तो नहीं। सबसे पहले हमने यहाँ पर राइनिंग का वेरिएबल बनाया, फिर हमने इनपुट फंक्शन यूज़ किया, फिर हमने पूछ इंटर करवाना है कि इट इज़ राइनिंग, क्वेश्चन पूछना है यूज़र से कि इट इज़ राइनिंग, क्या बारिश हो रही है। अगर बारिश हो रही है तो क्या करो, लेट्स सपोज यूज़र इंटर करता है, जो भी इंटर करता है, तो हमने इसी सारे को हमने क्या कर देना है, लोअर केस में कर देना है। ठीक है, लोअर केस हमने यूज़ किया हुआ था मेथड, तो हम लोअर केस यूज़ करके। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि लोअर अपर हमने भी किया था, लोअर भी किया था, तो समझ आ जाएगी। जो भी इंटर करेगा यूज़र, अगर कैपिटल में करता है या स्मॉलर में करता है या कैपिटलाइजेशन में करता है, तो वो ऑटोमेटिकली लोअर केस में चला जाएगा। लोअर केस हमने मेथड यूज़ किया हुआ था, जो हमारा जो स्ट्रिंग है वो लोअर केस में करता है, लोअर केस जो होगा वो क्या, हमारी राइनिंग वेरिएबल जो है वो उसमें चला जाएगा। फिर हम आगे जाएं तो देखते हैं कि इफ़ द आंसर इज़ येस, अगर जो आंसर हुआ, लेट्स सपोज हमारा राइनिंग जो है वो इक्वल टू येस हुआ, ठीक है यस हुआ तो क्या कर दो, तो फिर आगे क्या कह रहा है, इफ अगर यस हुआ तो फिर दोबारा उससे पूछो कि इनपुट लो वाइंड इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने इसको भी हमने लोअर में ही करना है कि अगर इनपुट, फिर हमने पूछना है कि इट इज़ वाइंडी वेदर है, क्या हवा चल रही है, तो क्वेश्चन मार के पूछना है। अगर ये भी हुआ, अगर ये भी करेक्ट कहता है, तो हमने क्या करना है कि इफ़ वाइंड इज इक्वल टू यस हुआ, तो हमने क्या करना है कि प्रिंट करवा देना है, क्या प्रिंट करवाना है, इट इज टू वाइंड फॉर एन अम्ब्रेला। ठीक है, इसके बाद एज में क्या करना है, एज में कहना है कि ठीक है टेक एन अम्ब्रेला, कि बारिश हो रही है लेकिन अब हवा नहीं चल रही, तो हमने क्या कर देना है कि एज वाली पे जाएंगे, एज पे आने के बाद हमने क्या कहना है कि टेक एन अम्ब्रेला। अगर हवा भी नहीं चल रही, बारिश भी नहीं हो रही, रेट ये दो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई हैं, अगर ठीक है, अगर हमारी ये वाली जो है वो यस नहीं यूज़र करता तो नो करता है, तो फिर हमारे एज में क्या आ जाएगा, एज पे आ जाएगा कि आप इंजॉय योर डे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया है, कि ये जो है वो हमने नेस्टिंग इफ़ एल्स की है। कि नेस्टिंग इफ़ एल्स क्या होती है, कि इफ़ के अंदर हमने दोबारा इफ़ एल्स यूज़ की हुई है, उसे क्या कहते हैं, नेस्टिंग इफ़ एल्स। ठीक है, अब हम दोबारा इसको कंपाइल करते हैं पहले, फिर देखते हैं, और मैं फिर दोबारा आपको रिपीट करवाता हूँ, समझा देता हूँ जो जो हुआ है। तो हमारे पास हमारा जो एरर था वो हमने गलती से हमने इसको फंक्शन कर दिया था, तो मेथड जो होता है वो है डॉट,
हम यूज़ करते हैं उसके लिए डॉट और जो मेथड होता है वो यूज़ करते हैं। इसमें भी हमने ऐसे ही करना है कि हमने इसको, हमने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया था तो इसको डॉट लोअर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा कि लोअर केस में ये हो जाएगा। अब इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। तो कंपाइल किया, दोबारा हमें एरर नहीं आया। हमने क्या करना है, इट इज़ रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, यस हो रही है। तो क्या हवा चल रही है, यस चल रही है। तो इट इज़ टू वेंडी फॉर एन अम्ब्रेला, फिर अम्ब्रेला के लिए आपके लिए नहीं है। तो फिर दोबारा हम कंपाइल करते हैं, बारिश नहीं हो रही, नो। तो कहता है इंजॉय योर डे। फिर दोबारा हम कंपाइल करके देखते हैं, बारिश हो रही है, यस। हवा है, नहीं है। तो डिस्प्ले कर दो कि टेक एन अम्ब्रेला। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी कि क्या किया। सबसे पहले हमने यूज़र से पूछा कि बारिश हो रही है, फिर हमने उसको लोअर केस में किया। लोअर केस करने के बाद हमने इफ़ कंडीशन लगाई है। इफ़ कंडीशन में हमने पूछा कि बारिश हो रही है, इफ़ रनिंग इज इक्वल टू येस हुआ तो हमने पूछा कि क्या हवा चल रही है, उसी को येस अगर हुआ तो हमने उसको लोअर केस किया। लोअर केस करने के बाद हमने इफ़ में कहा कि क्या हवा चल रही है, अगर हवा चल रही हो तो हमने क्या करना है, टू बाइंड दी है फॉर द अम्ब्रेला, अदरवाइज क्या कर देना है, टेक एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यूज़ करो, अदरवाइज ये दोनों कंडीशन ये सारी यस ना हुई तो क्या कर दो, टे एंजॉय योर डे, एंजॉय योर डे डिस्प्ले कर दो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हुआ। थैंक यू सो मच।